अब पिशोड़ दिए गलिए, पिशोड़ दिए गलिए। अरे जनाब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम पिशोरियो, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियो, अस्सलाम वालेकुम हिंदकोवार, दिस इज वंस अगेन योर बॉय शाजी। जनाब, वी आर सो लाइव एट पिशोर दी गली दे नवे एपिसोड दे तुहाड़े सारे नु खुशामदीद। उम्मीद करना आज तुसी बिल्कुल ठीक ठाक होसो। तुहाने मेरा बड़ा इंतजार कीता होसी, तुहाने अपने ब्याह छोड़े होसो, लगी के छोड़े होसो, ठीक हो गया इस शो वैसे। ए मेरी उम्मीद है, गलत भी हो सकता है, लेकिन अब मुझे पता है तुहाड़ी ते मेरी मोहब्बत इतनी है, इतना ही खलूस है, इतना ही प्यार है कि मैं कभी भी गलत नहीं हो सकना। बिल्कुल जनाब, पिशोर दी गली दा प्लेटफॉर्म एक गली तुहाड़े से वस सजी है, और के करा जनाब तुहाड़े से पाड़ी बरक आ रहा की, ठीक है। थैंक यू जनाब, दिस शो इज ऑल अबाउट यू। ए तुहाड़ा शो है, तुहाड़ी उमंगा दा शो है, तुहाड़ी तर्जुमानी दा शो है, तुहाड़ी आस दा शो है, ठीक हो गया। जो हूँ तक जितना भी काम होया अच्छा ही होया, उसी इंशाल्लाह मनु उम्मीद है कि यार तुहानू बहुत ज्यादा पसंद आया। उसे एनी आओ जनाब, मैं गल्ला नहीं गावा, आ गल्ला दा मैं के कहते तले नहीं लेना, सोच कितने आना। मेरे नाल बहुत ज्यादा टैलेंटेड, बहुत ज्यादा मैं समझना फ्लुएंट एंड बहुत ज्यादा अपने कम नाल मुखलिस आर्टिस्ट मौजूद है, बल्कि ना मेरी को होस्ट मौजूद है, जिसका नाम है मिस ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, किस तरह मौजूद हो? बस थोड़ी दुआवां, खुद तुसी बोलने का मौका नहीं देंदे हो, इससे पहले तुसी लोगों नाल बोलो। आज सलमान भाई ने तुसी इस तरह ही मिस कर दे पे हो यार। वाकई मैं समझना कि उन्हें कमी महसूस होती पी, तुहानू होती पई है? मनु ते इससे होती पई कि ओ तुहानू स्टॉप कर लेने किधरे ना किधरे पकड़ लेने। मसला यार, मैं एकदम छेड़ पावा ना तो वो कहंदे ने चल रही पी, इनू रोक सी कोल। हां, किस तरह गुजरात वाला हफ्ता? बस शुक्र, बहुत अच्छा, काम च मसरूफियत, इस्लामाबाद जाने का प्रोग्राम बड़ा है, तीन दफा बन के कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन मसरूफियत की वजह। अरे मुझे लगा पेट्रोल महंगा है, मुझे लगा पेट्रोल महंगा है, एक वजह भी है। हां ये भी है, पहले लोग नहीं सोचते ना कि चल गड्डी काट ले यार, फलाड़े ने छोड़ा है, और बंदा जरा सोचे गड्डी काट ले, जावा के ना जावा। मैं सोच नहीं पई है कि प्रोग्राम से बाद निकल ही जावा। हेलो जानती हो आज ही मनु भी आज मुझे बड़ा शौक है, तू सड़क पे फिर पे था। एनी आओ, इस दफा पेशावर इस्लामाबाद का थोड़ा मौसम तो अच्छा है, लेकिन पिशोर का ही मौसम मैं समझना ये दो त्रै दिन बहुत मजे दे है कि नहीं? बिल्कुल, मेरा नहीं ख्याल होने तक कोई जून इस तरह गुजरा हो सी जिस तरह गुजरता, मजा ही आ गया। पखेज भी माशाल्लाह ना, एक बहुत खास बड़े से बात देखा है मैंने, जून इस तरह पे गुजर रहा है इसी तरह। और के नवी ताजी? बस नवी ताजी है कि आजकल फैशन है, ब्लॉगर्स हैं, तुसी मनु कुछ बताओ इस बारे के। यार आजकल बड़ा ट्रेंड है, मैं समझ नहीं यार, जिसने भी देख उन्हें कैमरा चुका है, अपना फिरदा पिया है, अपनी एक्टिविटीज नू, अपनी डेली रूटीन नू लोग फिल्म पे कर दें, शूट पे कर दें। पहले लोग बड़े खफा होंगे, लेकिन आजकल लोग मैं समझ रोटी वैसे भी जावन तो तस्वीर कट देना, व्याज जावन तो तस्वीर पे कट देना है जी। ते तुहानू क्या लगता है, ठीक है निंगा? मतलब ठीक है, मने बताओ केड़ी जगह जिथे तस्वीर नहीं चीक दे केड़ी? मतलब मेरे जाले एक जगह है, पता नहीं मैं क्या वक्त सवाल आज करने हैं, क्या तुसी सानू फोन करके बताओ कि केड़ी जगह? हां जी, तुसी सानू कॉल कर सकते हो जनाब, सारा नंबर वंस अगेन तुम्हारी स्क्रीन ते अपना इलाके दे नाम दे नाल जरूर कॉल करो, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट है कि जब भी कॉल करो जनाब, अपने टीवी सेट दी आवाज जरूर आज तक कर दे करो, ताकि तुहानू या मेनू तुहाड़ी आवाज आंदी रहे। ओ केड़ी जगह है जिधर तस्वीर नहीं चेक सकदे? तुसी मने बताओ कि तुहाड़े भी कोई इस तरह दा कोई किता होया है काम, तुसी मने अपने एक्सपीरियंस दे बारे यार। मैं समझना कि अच्छा व्लॉगिंग दा ताल्लुक मेमोरीज नाल है, ठीक है, यादां नाल है, ते मेरा अपना एक मकसद है कि यार उन्हें यादां नू मैं कैप्चर करा, ताकि इनो 50 साल बाद अल्लाह ताला जिंदगी देवे सारे नू, मनु भी दे देवे है जी, वो तमाम यादां मेरे नाल रिकॉर्ड च रहवन। मैं इस वजह मैं भी कोशिश करना कि यार पिशावर शहर च पिशोर दा खाना, पिशोर दे बाजार, पिशोर दा कल्चर, तमाम शेवा लोगों ने बतावा। बिल्कुल, ए बताओ पिशोर दा कल्चर चेंज होंदा पी है, पुराना कल्चर किस तरह तुहानू लगदा है, क्योंकि तुसी तां बहुत फिरदे हो ना पिशोर दी गलियां? तुसी मरीज से आए हो? नहीं नहीं, तुसी पिशोर दी गलियां जिस तरह फिरदे हो ते जिस तरह आज यार पिशावर बदल रहा है, मेरा मैं समझना पिशावर बदल रहा है, पुराने कारपेट हैं दिन, मेरा बहुत बड़ा पुराने कार्ट है जनाब, लोगों ने मतलब वो तमाम हेरिटेज नू प्रिजर्व नहीं किया, ठीक हो गया, वो रिवायत वो जो मुहब्त आई प्लाजे बन गए प्लाजे हूँ तक के सी। हूँ मैं रिसेंटली जस्ट वेंट टू करीमपुरा बाजार, एंड बाखुदा बिकॉज करीमपुरे बाजार की तारीख है, मैं पूरे प्रोग्राम कर समझते कि करीम शाह बुखारी दीवान दे निस्बत नाल बाजार है, ठीक है जी, इस बाजार नु करीम शाह बुखारी इन्हें ज्यारत है जीटी रोड ते, ते अकबर बादशाह ने उन्हें नु ए बाजार बतौरे गिफ्ट किया है, वो वजीर है मजहबी अमूर दे, उन्होंने करीमपुरा बाजार उन्हें गिफ्ट किया, लेकिन आज वो बाजार
मनु लगता है प्लाजिया सी भरा है ना, बिल्कुल इसी तरह पेशावर बदल रहा है, लेकिन मैं समझना रिवायत आज भी कायम है, आज भी कायम है, लेकिन वो बड़ा एक ख्वांद हो रहा है उस टाइम वो टाइम ही हो रहा है ना। मैं समझना, मैं समझना कि यार मैं के तौनो पेशावर बतावा है जी, अगर मैं जाने तुसी आप ही अपनी नजर सी पेशावर शहर देखो तो मैं समझना तौनो अंदाजा उचित चोर ले जनाब, आओ पेशावर शहर दा एक टूर करने आ ते बात मिलने जी। Your good glass. Hello, ji. Assalamu alaikum, ji. कैसे हैं आप? ठीक ठाक? शाहजी टॉक्स के इस नए एपिसोड में तुम्हारे सारे को खुश आमदीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनाब अशनगरी, उस लिए पी रहा हूँ गुड़ का शरबत। एंड आज मैं आपको दूंगा अपने पुराने इलाके का टूर। मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा इलाका केड़ा आया, मेरी जम पल किधर है। मैं मिंड मार्गरेटा नहीं पीता मुझे, मैं गुड़ का शरबत ही पीता। ठीक हो गया। सो आपने हमारे साथ लगे रहे बिकॉज पेशावर ए मेरी जम पल है। मैं तो बता सा कि अपनी गलियाँ फिरने का क्या मजा है जी। आओ चल रहे हैं जी। ओके जनाब, अच्छा इस तरह हो कि मेरा एक बड़े पुराने दोस्त मैंने मिले जनाब, उन्होंने को पूछा कि यार तुसी किस इलाके च रहते हो ना, आप कहाँ रहते हो। उसने कहा जनाब आई एम फ्रॉम यूनिवर्सिटी टाउन जी। अब मुझे उसके लहजे से पता चल रहा है कि बाबा तेरा ना केस कोई और है। मैंने फिर पूछा है, मैंने कहा यार टाउन में तो रहते हो, रहते हो कहाँ के। यानी हो जनाब, मुझे कहता है जनाब मैं शहर का हुआ ना। अच्छा, मैंने कहा शहर में कहाँ के हो। कहते यार शाह साहब आप उस दिखा ले, मैं मुंडा वेरी चलाना हूँ। मैंने कहा यार ये बात तो नहीं, मैंने ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। कहते शाह साहब बड़ा बुरा लगता है, क्या बताऊँ कि यार उन्हें गलियाँ मैंने कहा अच्छा अगर बुरा लगता है तो आओ मैं बताता हूँ कि यार शाहजी टॉक्स या शाहजी किस इलाके से रहते। मेरी जी जम पहले वो अशनगरी बाजार ते उस करीमपुरा अली जरा जाने पाए हाँ करीमपुरे बाजार से। सो आज द टूर है फ्रॉम अशनगरी टू करीमपुरा माय पीपल। ये जो जगह है ना, ये जो जगह है, यहाँ पर मेरी बस आया करती थी स्कूल की, और मैं सुबह हमेशा लेट ही हुआ करता था। इधर हमारी बस आती थी, हमारा बस का स्टॉप हुआ करता था। एंड जब भी लेट सपोज मेरी बस चली जाती ना, तो मैं यहीं से अपनी टाई, अपनी बेल्ट, अपनी शर्ट यहीं से उतार के घर जाता था, ताकि मेरी अम्मी मुझे दोबारा स्कूल में भेजे। लेकिन वो सारी यादा आज मेरे नाल जब इस शहर से गए थे तो मौसम थे, और जब आज आ रहे हैं तो शाहजी है। ठीक हो गया। आए जनाब तुहानू अज पेशावर शहर की रंगीनियाँ बता। शहर का आने का जरा मज़ा ही हो रहा है जी। यार मेरी बड़ी यादें हैं शहर से। अच्छा, मैंने बैग पहना होता था, मैं था टोल रहा जी। ठीक हो गया। लोग मैं पता नहीं, लेकिन आज मैं समझने यार अपनी रिवायतों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है अपने इलाके से। अच्छा, इस बाजार में यखनियाँ बड़ी मज़े की बिकती थी। अस्सलाम वालेकुम जी, ये देख सकते हैं जी अकीला आपका, ये दिखाएं जी अशनगरी दी मशहूर यखनी। थोड़ा सीना खराब है, तुहानू थोड़ा सादा मसला है। ठीक हो गया। ए ओ यखनी है जिनू मतलब दुनिया खुदाई पीने आती है। अशनगरी की फेमस तरीन यखनी है। बड़ा मज़े का बाजार है अशनगरी बाजार, हुसन वाले का बाजार है। हमेशा चहल पहल रहती है। अच्छा, अशनगरी को अशनगरी क्यों कहते हैं, हश कहते हैं आर्ट को। वालेकुम अस्सलाम, मुझे फैन फॉलोइंग है शाह जी की। यार ऐसी बातें नहीं होती है, दो चार लोग पछाड़ दें खाली कहाँ रहे सुन जी बहुत है गाड़ी गा रही सुधरी की बार माशाल्लाह जस के यार क्यों हो गया। अच्छा, अभी ऐसी चलने पाया फ्रॉम झंडा बाजार। अच्छा, ये अब मैं आकर बताऊं एक और चीज़ बड़ी मजे की अशनगरी में। यहाँ पे सामने देसी घी का नाश्ता मिलता है, वो सामने अगर आप दिखा पाएं तो सामने जनाब देसी घी का नाश्ता है। अभी वो बंद है, लेकिन मेरी बचपन की यादों में से एक बड़ी खूबसूरत याद जनाब इटकियन। इधर आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, किस रंग जी? ठीक ठाक। अच्छा, अक्सर शाम को मैं अपनी अम्मी को कहा माँ जी वो किसी ने भेजो कि यार वो मीठी टिकियाँ नहीं मिलती। हम कहते क्यों, हाँ अशनगरी में मीठी टिकियाँ। तो मैंने कहा वो हमारे बचपन के ना, मतलब अब अम्मी ने भेजना है, बच्चे ने भेजना है कि अम्मी भेज दी कि जा यार वो भोसे लसे ना आओ मीठी।
ओके जनाब, मैं इस वक्त पहुंच गया एवं झंडा बाजार है। बेसिकली हम मशीनरी से चढ़े हैं और झंडा बाजार में है ये जगह है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ। इधर रक्षे खड़े होते थे शुरू से, तो मैं अपनी मतलब अम्मी लोगों के साथ अंदर आता था, तो मुझे रक्षे के आगे बैठने का बहुत शौक होता है ना, बड़ी शौक होता है मुझे आगे बैठने का। तो मेरी माँ की कर दी मनु इधर इधर पीछे पकड़ के कि यार मेरा पुत्र टहलना पावे ना, रोहान भी बड़े हैं ऐसे, ठीक हो गया। तो जनाब ये स्टैंड है रक्षे ना बेसिकली, एंड लोग इधर आंदे, मैं गल कर लूँ भाजी। हाँ जी, मैं आना। देख दी भाई यार जी, जनाब ये रक्षे का स्टैंड है, तो लेट्स सपोज हूँ असं इंटर होने झंडा बाजार, झंडा बाजार की खूबसूरती तुम दिखाने जनाब। मटर जिन्हों कहते नमक पारे, इधर तरह शॉट ले लो जी, तुम ये बड़ी इंपॉर्टेंट शायद है साढ़े पिछोरिया की, हमारी चाय में ये मटर ना हो तो चाह का मजा नहीं है। नहीं आओ, मैं जिस दिन की झंडा बाजार घुसा हूँ, इसकी बहुत एक यू नो पुरानी बेकरी है, तकरीबन 80 साल पुरानी बेकरी है, इसका नाम है परवेज स्वीट हाउस, एंड कहते हैं 80 साल हो गए इस बेकरी में, लेकिन बिल्कुल अज भी इसका नक्शा, इसका तमाम मिठाइयों का स्टाइल, इसकी आइटम्स अज भी वही हैं। तो जो मेरा बचपन आया, मैं अक्सर शाम नू इधर मटर लैने आना है, पंजा के मटर होते पूरा शाहपुर भर लेने, ठीक हो गया। हूँ पंजा का कुछ नहीं मिलता, लेकिन जनाब साढ़े को बहुत कुछ दिखाने वैसे। मैं जाना यही झंडा बाजार का इलाके से ही पर जाना पिया, तो उसके बिल्कुल कॉर्नर से तुम्हें एक कावाखाना नज़र आ सी, बड़ा पुराना कावाखाना है, यदि मलाई बड़ी मशहूर है, अगर मलाई बता सको, मलाई इन्हें बहुत आला, सवेरे नाश्ते जब मलाई ले जाओ ना, मैं कहता हूँ कॉन्टिनेंटल मॉन्टिनेंटल जा भाई, ठीक हो गया। पिशोर पिशावर की जो रोगनी और मलाई है उसका कुछ सानी नहीं है, ठीक हो गया। तुसी बड़े भी ब्रेड जो थे मच्छी के अंडे पाते रहो लेकिन इसका अपना चस है। अच्छा हूँ असी रवाना एंड कपड़े का बाजार की तरफ, हूँ मेरी रवानगी है झंडा बाजार, स्टिल इट्स गोइंग ऑन, अभी चल रहा है झंडा बाजार, और अभी जिस तरफ हम मूव कर रहे हैं वो करीमपुरा, करीमपुरा उस गली वाल भी जा सी है जिधर मेरी पैदाइश है। हैं जी, तो मनु बर्दाश्त कर रहे हैं ना इस गली से, पैदा तो उड़े बात दुनिया ये कर दे। तो बेसिकली इस तमाम बाजार कपड़े का बाजार है, मरदाना कपड़े का, ये ना हो गया कि जनाने आ जाओ उनके बाबा जी मनु क्या कहते हैं जाजुड़ दास मनु जाजुड़ दास जूट दे जाजुड़ माजड़ नहीं। इधर आगे जो फीमेल बाजार हैं वो आगे हैं, लेकिन ये पूरा मर्दा का बाजार है। यहाँ कपड़े हैं बहुत अच्छा कपड़ा है, और करीमपुरे में स्पेशली झंडा बाजार की साइड पे मैं देखता हूँ अक्सर फॉरनर आते हैं, सेठियाँ दी मल्ला सेठियान आते हैं, लेकिन ये भी पिशावर है जनाब, ये भी पिशावर है, इन्हें गलियाँ भी एक खास किस्म का कल्चर तुम्हें मिल सी। हाँ जी, जैसे मैं तुम्हें बताया कि यार ये कपड़ों का बाजार है, झंडा बाजार की तरफ भी हम आ रहे हैं, और कपड़ों की बाजार है, बड़ी वैरायटी है, लेकिन मेरा बचपन जो कि बचपन मेरे का नहीं है जी, तो गजनवी क्लॉथ ऑब्वियसली मेरे बड़ा ही करीब रही है, मैं अंदर जाना तुम्हें बताना थोड़ा जहा, ठीक हो गया। हाँ जी, कौन है दुकान है कि नहीं, आ जाओ कि आ जाओ यार, है ना, लग देना था कारोबार मारोबार कर रहे हम। अच्छा, इन्हें क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, बिकॉज जो भी वालदा या अबू स्पेशली आंदे तो मनुदरी लैके आंदे, या ना ईद होती थी अबू मैंने ये लेना है, ये बताएं कि कितने टाइम से इधर काम पे कर दे पाई और क्या पोजीशन है? 30 साल से यहाँ पर काम कर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर, मेरे पहले वाले साहब काम करते थे, अब मैं खुद काम, इनको आंदी है तो क्यों नहीं आंदी है? इनको कह दियो जी, पहले मेरे वाले साहब काम कर दे, मेरे सारे सी महंगा जोड़ा केड़ा वे ते उदी क्या कीमत है? महंगा जोड़ा 3500-2500 हर किस्म दी रेंज दे, जो तुसी अपने चाहिए उस किस्म दी क्वालिटी। कोई मेरा नाम लेके आवे नु डिस्काउंट है कि नहीं? ओके, कितना डिस्काउंट है? हाफ प्राइस से तो मिल जैसी है, मतलब जरा 3500 की कीमत है, 1800-2000 दी नहीं, बस देख लो जी तुम्हारा मैंने ईद का मुगा छोड़ा है, ठीक हो गया। कि झंडा बाजार है जनाब, गजनवी क्लॉथ जरूर आना, बिकॉज इधर नाल मेरी बहुत इन्हें वालिद साहब ने मेरे अबू की खासी ना गपशप आई, और ठीक ठाक हो तुम जनाब? बहुत शुक्रिया। मैंने कहा था ना, जब गए थे तो मौसिन थे, और जब आ जाए हैं तो शाहजी हैं, भाई ये फ़र्क है। अपना सफ़र तो आप ही शुरू करना है, अपनी पछाण तो आप ही शुरू करनी है। अच्छा जी, हूँ ये बाजार ख़त्म हो गया, ए जनाब फेड़ियाँ ला, तुम्हें मैंने बताया नहीं क्या फेड़ियाँ बहुत ज़रूरी हैं साड़ी चाच है, साड़ी चाच फेड़ियाँ ना जी, मैं तली बैठ सा, मैं मलंग बंदा यार, मेरी साड़ी चाच एक मटर ना होवन एक फेड़ी ना हो, मैं चाय पीता ही नहीं, ठीक हो गया। ये बताओ कितना टाइम हो गया थानू? जी साढ़े प्यो दादे टाइम जी 70 साल हो गए इस दुकान में जी।
फेड़ी बनाने का तुहाड़ी फेड़ी इतनी खास क्यों, इस दुकान का नाम क्यों फजल रहीम सूट शॉप, ते तुहाड़ी फेड़ी इतनी मशहूर क्यों है, मतलब दुनिया चांदी के तुहाड़ी फेड़ी खावे क्यों? दादे सी करने पे एक ही सभी तो ही स्टार्ट होए तो ही चल दे पे सब कुछ। अब मैं बता दूं थोड़ी सी फेड़ी की हिस्ट्री बता देता हूं मैं थोड़ी सी, कि जिस तरह आप शाम में यू नो सैंडविचेस एंड ब्रेड्स एंड मुझे चीज़ लगा दें, बट नहीं, जो अंदरून पेशावर का जो ट्रेंड है वो फेड़ी है बेसिकली, और फेड़ी खाते कैसे हैं कि एक चाय के कप में आपने फेड़ी को क्रश करना है, उसको डालना है, वो एक बड़ा मज़े का यू नो एक टेक्सचर बन जाएगा, और उसको आपने चम्मच के साथ खाना है, ठीक हो गया, सिखाना भी बता दिया है। ए जनाब हूँ करीमपुरे दिया दूध शुरू है, करीमपुरे से ए दुकान है, ज़रूर आओ और जब फेड़ी परचेज करो तो इस भाई को ज़रूर याद रखना, बहुत शुक्रिया। हाँ जी जी शाह साहब, बड़ा मजा आया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਚ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਤੇ ਮਟਰ ਤੇ ਫੇੜੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦੇ ਮਟਰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਤਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਬਾਅਦ ਮਟਰ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ ਫੇੜੀਆਂ? ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਟਰ ਤੇ ਫੇੜੀਆਂ ਨਾ ਹੋਵਣ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮિજાਜ ਅੱਛਾ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾ ਨੇ ਉਸੇ ਬੇਗਮ ਹੋ ਜੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਕਾਸ਼ੁਕ ਨਾਲ गुफ्तगू करिए पिशोर दी गली सजिए। बिलकुल डडा लाओ सकावा बहुत ये बताओ जनाब, साढ़े नाल मौजूद हैं अतीक साहब, साढ़े नाल मौजूद हैं नोमान साहब जनाब, लेकिन मेरे को कॉलर भी, लेट मी टेक दिस कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा किधरों पे गल कर रही हैं जी? शाह जी मैं अरूज बात कर रही हूँ पेशावर से। अरूज कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं जी, खैरियत है जी? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है, आप कैसे हैं, आपके साथ मैन जो है वो कैसी है, खैरियत से हैं? सब शुक्र अल्लाह का, आपकी दुआएं, आप बताएं क्या चल रहा है? आप लोगों का शो देख रहे थे हम पूरी फैमिली, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा शो है, और शाह जी आपको चैनल पे देख के बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है, हम आपको काफी अच्छे से फॉलो करते हैं। कहाँ फॉलो कर रही हो बोलो यार, बोलो बताओ तो सही। आपका पेज जो है शाह जी टॉक्स, वो हम काफी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, उस पर आपके डिफरेंट ब्लॉग्स हम देखते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। उसमें जो इमेजेस हैं वो हमारी इन्फॉर्मेशन भी बढ़ाते हैं, तो काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। आज का शो आपको कैसे लग रहा है ये बताइएगा। बिल्कुल, आज का शो अभी पूरी फैमिली हम देख रहे थे, काफी जो है इट्स अ फैमिली शो जिसको पूरी फैमिली के साथ बैठ के देखा जा सकता है, इंफॉर्मेटिव भी है और एंटरटेनमेंट भी है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, मेरा आखिरी सवाल है, आपने तुमने व्लॉग देखा है पेशावर दा, डिस्क्राइब पेशावर इन वन लाइन चले। पेशावर इज द सिटी ऑफ फ्लावर्स, इट्स अ सिटी ऑफ हॉस्पिटैलिटी, इट्स अ सिटी ऑफ जेनरोसिटी। We can't define Peshawar in one line, or we can't say that it can be defined in the simple word. Very nice. So there is no word by means of that the people of and the place of Peshawar can be defined. लेकिन आपने जिस तरीके से vlog में Peshawar को जो है वो कहते हैं दरिया को कूजे में बंद करने का काम किया, so that's really admiring. For that reason हमने सोचा कि हम आपको फोन भी करके थोड़ा सा ये भी देख लें कि काफी ज्यादा हमें सीखने को भी मिला, क्योंकि हम थोड़ा सा इतना अंदरूनी शहर के बारे में इतना नहीं पता, तो काफी कुछ हमें सीखने को मिलता है, और आप दोनों का काफी अच्छा माशाल्लाह जो है वो शो जा रहा है, अल्लाह ताला इसी तरह आगे भी आप लोगों को तरक्की। आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू कॉल्ड मी, एंड बेसिकली आई रियली वांट यू गाइस बेसिकली टू इन्वॉल्व, बिकॉज आप इन्वॉल्व हो गए तो जनाब एक कल्चर, एक नवी उड़ान पासी मेरे नाल व्लॉगर आगे जी। आज किस इस गली वाल किधर निकले हो गए, तुमने आज व्लॉग शुरू किया किधर निकले हो जी? सर मौसम अच्छा है, सानी के जाइए को पिशोर की गलियां इंट्रोड्यूस कर दिया सर। बहुत अच्छे थे ते मैं भी गाना छोले पे भेजना हो तुम बने के कावा में तो भेज दो सानी से। ए मामे चाचे नासुर का कारज सानी इधर बैठे होने हैं, जरा शाम में बैठ के जरा दिल पिशोरी कर ले पूरे पिशोर के सामने बैठ के, है ना, ताकि असि इस कल्चर नु एक नवे अंदाज न बताइए लोगों। बिल्कुल, सारे मौजूद हैं मेजारा
हर बंदे ने कैमरा चुकाया जावे या रोटी खाने जावे पर बटवा होवे के न होवे उदे हाथ च कैमरा जरूर होंदा है ठीक है इदा के सिनेरियो है जी शाह जी बात तो ऐसी है कि बस कैमरा तो आजकल कोई देखता ही नहीं है बस देखता है कि मोबाइल चाहे वो नोकिया का भी मोबाइल है तो उसने व्लॉग बना बिल्कुल ठीक बिल्कुल यही सीन है तो ये नहीं देखता कि यार सामने कौन मासी खड़ी है कि पुप्पी खड़ी है कि ताई खड़ी है कि माँ खड़ी है शुरू हो जाए सिचुएशन में जी व्लॉग आज बैठे आए आज मेरे मामे जी आज मैंने यार निकले व्लॉगिंग करना भी बहुत मुश्किल है बिल्कुल मतलब तुम कैमरा लेके गल पे करो तो चलो हो गया यार कैमरा देख के गले भी पेशावर से बहुत मुश्किल लोग किस किस पाकिस्तान भी है लेकिन खसूसी पेशावर जैसे गलियां मोहल्ले व्लॉग बनाना इंतहाई मुश्किल है वाकई याद आ गया मैं कौन है ना वक्त और वाला अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी कौन साहिबा किधर पे गल कर रही हैं जी ये मैं दुआ लाहौर तो गल कर रही हां किस तरह मुझे तुझे ठीक ठाक हो खैरियत है जी जी अल्लाह का शुक्र है मैं अब ये होने की भी लगाया है अच्छा हां जी तो मैं देख रही हां कि आज एक कार्टून भी बैठी है ने तो मैं देखा पहले भी दो अफराद के नाल भी अच्छा अच्छा लेकिन आज कार्टून भी बैठे ने मैंने ये नहीं पता टॉपिक की चल रहे है अच्छा आज सारा टॉपिक है कि डिफरेंट आजकल पेशावर जी ब्लॉगर जन और पेशावर निकल दें कैमरे लेके निकल दें ठीक हो गया ते मैं समझना कि उन्हें शहर नु बताना अच्छी गल है या नहीं जनाब पेशावर दे विच की हो रहा है व्लॉगर्स नहीं होंगे जो कैमरे लेके नदे निकल दें कोई फूड व्लॉग पे करता है कोई व्यावाज व्लॉग पे करता पिया ठीक हो गया ते लोगों नु अपने शहर दी अपने कल्चर दी रिवायात ते बतांदे पए ए गल अच्छी है या नहीं इस तरह गल करने पए जी नहीं अच्छी है अच्छा होना चाहिए लोगों नु हां जी बिल्कुल है सब कुछ करना चाहिए लोगों नु तुसी लाहौर लाहौर सी हो बेसिकली जी जी मैं लाहौर से गल कर रही हूं हां लाहौर इच किधर किधर हो जाना थोड़ा इलाके दा के नाम है लाहौर लाहौर तो कड़ी जगह तो जी लाहौर से मैं असी वैसे कलम तो गल कर रही हूं अच्छा मैं अक्सर लाहौर आना है चुबरजी अक्सर मेरा चक्कर लगता है लाहौर च अच्छा तो सेट बहुत अच्छा है माशाल्लाह सेट बड़ा बिल्कुल सिंपल सादा थैंक यू और बड़ा अच्छा सादा सेट बहुत अच्छा लग रहा है एंड शो किस तरह के शो भी बता दीजिए जी कैमरे की गालियां कावे पीरे होंगे भी बड़े अच्छे लगते हैं कावे पीरे पूछो कि मैडम ने पेशावर कभी विजिट की थी यस नहीं देखा पेशावर नहीं देखा इस्लामाबाद देखा मरी शरी देखा पेशावर नहीं देखा अरे वाह एक शेर याद आ गया है कि जब याद आएंगे जिंदगी के फसाने तुम जरूर आओगे पेशावर किसी बहाने ठीक हो क्या जनाब जी जी बचपन से पेशावर के बारे में बचपन से सुने कि पेशावर से मेरी खातून डंडा सा लाना अरे वाह गला और हो गई रे थी कम अच्छा हो गया इंशाल्लाह वी वेलकम यू जनाब जरूर आओ बिकॉज ये रिवायत का शहर है ये मेहमान नवाजी का शहर है जनाब बहुत शुक्रिया मैं इंतहाई मशकूर हाँ तुमने कॉल की जी रोजमर्रा दी रूटीन होंगी लाइफ स्टाइल जो होंगी वो लोग देखना पसंद करते लेकिन पेशावर दे विच पाकिस्तान उन्हें ट्रेंड चल गया कराची दे विच बहुत है लाहौर विच बहुत है लेकिन पेशावर विच ला नहीं आया तुहाड़ी वाली ओ तुहानू मैं कहा ना उस दिन भी मैं कैमरा लैके निकला तो मुनो कहने के यार चलो हो गया कैमरा पकड़ो यार पिशोर दिए गलिए
अब पिशोर दिए गलिए पिशोर दिए गलिए वेलकम बैक नाजरीन पिशोर दी गली च एक दफा फिर खुश आमदीद कहने आ ते जिस तरह तुहानू पता है अज साडा ब्लॉगिंग सी रिलेटेड टॉपिक है चलने अपने ब्लॉगर्स वाल ते उन्हां से कुछ सवालात करने आ जड़ी के तुहाडी मालूमात च इजाफा कर सन जी अरे राम लेकिन मैं से पहले कि मैं सवाल करा मैं तुहाडे सर में गल करना चाहना कि अगर आप तुसी केपी च रहंदे हो या पूरे पाकिस्तान च तुसी किधर भी रहंदे हो जनाब तुसी अपने इलाके दा अपनी ثقافت दा अपने कल्चर दा अपने खाने पीने दा कोई व्लॉग बनाओ सानू सेंड करो तो बाखुदा असी इस शो च ओ व्लॉग जरूर चलासी ये वादा हो गया है जबान दे दी जनाब बच के रह गई है साडे नाल मौजूद हैं अधिक बाबू ते नोमी असी भी सेंड करियो दोबारा ना तुसी ना सेंड जी आप भी वही करे वाला था असी भी सेंड कर दियो बस तुसी भी सेंड करो जनाब तो अगर तुहाने भी बढ़ाए तो छोड़ दियो जरा अगर तुहाने बढ़ाए है सानू छोड़ दे तुहाडा मेरा अपना रिश्ता है ना ठीक हो गया अच्छा मैं एक सवाल कर हां व्हाई नॉट व्हाई नॉट मैं सवाल करना चाहनी है कि एक टाइम होता है कि वाइंस बांट दिए यहां और उससे बाद ब्लॉगिंग ते शुरू हो गया वे बहुत सारे लोगों ने पता भी नहींगा कि वाइंस ते ब्लॉगिंग इच के फर्क है जरा इससे पहले रोशनी पाओ बेसिकली कुछ चार पाँच साल या सात साल पहले कह रहे थे कि 2015 था जैसे हम दौर रहे थे एक वाइंस था फनी वीडियोस एक दौरान शुरू हो गया बाहर से शुरू होया जैद अली ने शुरू किया है तो उसी बात होंदा होंदा पाकिस्तान और बिल्कुल ठीक है बिल्कुल दुपट्टा ले गए वो लोग बहुत पसंद करते हैं ऐसा ऐसा उन्होंने नवा ट्रेंड करा व्लॉगिंग का वाइंस से एक ड्रामा एक एक्टिंग एक व्लॉगिंग दे रियलिटी है सारी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਕੋਈ ਐਕਟਿੰਗ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੇ ਕੰਟੈਂਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਨੇ ਚੁੱਕ ਛੋੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਮੈਂ ਉਠਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੇ ਦੋਨੋਂ ਚੋ ਯਾਰ ਵਲੌਗਿੰਗ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਕਾਲਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣਾ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी शाह जी कैसे हैं आप ठीक वालेकुम सलाम जी कौन साहिबा किधर पे गल कर दिए जी जी एमन बात कर रही हूँ पिशावर से जी कैसी किस मुझे एमन ठीक ठाक खैरियत जी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक है खैर से मैं पहले सबसे पहले के टू चैनल को और आप सबको इस चीज की मुबारकबाद दूंगी कि आप लोग अपने असल को लेके चल रहे हैं असल मतलब अपनी सकाफत को लेके चल रहे हैं अपनी सकाफत दिखा रहे हैं हम लोग अपने आप को मतलब जिंदगी की भाग में इतने आगे हो गए स्टेटस कॉन्शियस हो गए अपने असल को भूल चुके हैं तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि आपके व्लॉग्स हम देखते रहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने अंदरून शहर का जो व्लॉग बताया आप और भी ज्यादा अच्छी चीजें बताएं मतलब हमारा एक ये कॉन्सेप्ट रह चुका है कि हम सब ये समझते हैं कि जो पिशावर के लोग हैं सिर्फ वो कबूतरबाज ही हैं उनको और कुछ आता नहीं है आप सब हाँ मैं सही कह रही हूँ आप हैं कि नहीं ये क्या कह रहे हैं आपने ये बात हमें डॉक्टर्स भी हैं हमें पेंटर्स भी हैं हमें आर्टिस्ट भी हैं वाह क्या खूबसूरत गल है और हमने ही इस कल्चर को आगे लेके चलना है तो मैं काइंडली आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने शो की तरफ प्रमोशन थोड़ी ज्यादा किया करें ताकि हम सबको पता चले कि ये किसने से कितने बजे तक चलता रहता है बिल्कुल करेंगे मैं आपके शो पे आपके शारजी टॉक्स के पेज पे तो आप पहले लगा दिया करते थे हम उसको फॉलो करते रहते थे अब हमें इतना पता नहीं चलता तो आप इसका भी थोड़ी प्रमोशन कर दिया करें आपको बहुत लोग देखते हैं और बहुत लोग पसंद करते हैं तो आपकी तवज्जो से आपका ये सकाफत आगे जाएगी आपका ये असल आगे जाएगा मैं इंतहाई मशहूर है और बहुत मजे तो आने गल की है मैं लैके चल रहा लोग साढ़े बारे समझते हैं कबूतर ढाई बजे उठते परसाना बेसिकली ढाई बजे उठते हैं इन्होंने घर चिका रखा है ठीक है कबूतर तो ठीक हो गया कम वम नहीं करते असी बेसिकली ਕੌਣ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਸ਼ੋਬੇ ਚ ਅੱਛਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਹਵਾ ਪੀਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਸ਼ੋਬੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਨ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੋ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਅਬ ਹਮਾਰੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੇਟਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਹਮਾਰੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰਸ ਕੇ ਔਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਕੇ तो वो चीज नहीं अच्छी लगती अब पिशावर में हम अगर व्लॉगिंग के लिए भी कहीं चले जाए किसी के साथ अगर वीडियो भी बना रहे तो एकदम पहले वो सोचेगा कि यार मैं इसके साथ वीडियो बनाऊं आवा के ना आवा के ना मैं इसे बुरा लग सा हम चाहते हैं कि यार हम पिशावर को प्रमोट करें ट्रेंड बदल जावे शाहजी ने से पूछो उन्होंने कबूतर तो नहीं रखे हुए मैं पूछना बल्कि जी ये दिक्कत है क्या जानते हो कुछ यही कहना कि पिशोरियन सिर्फ कबूतरबाजी के बड़े 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 नाम भी हैं डॉक्टर अदनान गुल हो गया डॉक्टर हफीजुल हो गया जियासर जौदीन हो गया बिल्कुल ठीक हां एक और कराची जिस टाइम
इंडस हॉस्पिटल दे मालिक हूं। हां जी अब्दुल बारी साहब, अब्दुल पिशोरी हूं। बिल्कुल ठीक है। ते ओए के पिशोरी नु थोड़ा पीछे पीछे होंदे ना, ते सोच जनाब बहुत बड़े नाम। मैं समझना तने एक रैपर रैप सुना उसी बोहेमिया पेशावर दा, इसी अलावा गुलजी पेशावर दे एक बहुत बड़े शायर पितरस बुखारी, ओ शायर जिन्होंने यू नो दुनिया के मुल्क जाके इंग्लिश दी एडिटिंग करते, पितरस बुखारी रहती दे फराज अहमद फराज नाम रहती दे गुलजी, बहुत बड़े पेंटर पिशोरी जनाब, बहुत बड़े बड़े रैंक्स इस वक्त पिशोरी, बट द थिंग इज वी आर इंटेलेक्चुअल्स, वी आर इंजीनियर्स, वी आर डॉक्टर्स, बट द थिंग इज मैं आपको लेक्चर दूंगा लेकिन मैं अपने कावे की प्याली भी नहीं, मेरा पॉइंट है कि यार ठीक है मैं डॉक्टर हूं लेकिन कावे दी प्याली वाद दी मेरे हाथ सी, बिकॉज ए रिवायत है, कल्चर है, ओ एन ए मेरा पैशन है। ठीक हो गया, लेट मी टेक दिस कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, किधरों पे गल कर दें जी? मैं लोरो अल्ताफ बोल रहा हूं जी। आज लोरी लोर है यार, बाबा जी बहुत अच्छे। अल्ताफ बोल रहा है लोरो। अल्ताफ भाई किस रंग हो, ठीक ठाक हो, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। मैं आप केटू में जितने भी शो है माशाल्लाह बड़े दिल ना देखने आ, तू यकीन ना कर सो, इतने हर चैनल दो त्री चैनल आते सारे चैनल अपनी जाए ठीक है, लेकिन इला जिला लोहर बैठे हुए आते हैं हजारे ना अफबादा ना हरिपुर ना ये शो देखने आ, इतना दिल खुश होना सारी फैमिली भाई माई है लग रहे, अल्लाह ताला तुसा खुश रखे, आमीन आमीन सपोर्ट करने आमीन आमीन, ते अल्लाह ताला तुसा खुश रखे इंजे या बाद रखे। ते लाहौर कदे बुलांदे पयो असी, लाहौर आईए ना ये के साहब बिल्कुल बुलांदे पयो के ना? ओ लाहौर तो जिला मर्जी है छियो तुसा ना अपने ही है। अरे वाह, बुला छोड़ा इनविटेशन भी आ गया। ते इन्ना ने भी कदी पिशोर देखे? ते पेशावर आए हो कदी? ओ पेशावर एक दो दफा आए थे हम। किथे आए हो जी? जॉब ने सिलसिले भी जे आ आए थे इथे एक जगह हमारे वेर भी तो निकली गई वो खानी बाजार। किस खानी बाजार? किशोर दी केड़ी चीज थानू सबसे अच्छी लगी है? उधर ने भी अच्छी लगी ना ये खुशक मेवा जात वगैरह जिले होने ये साइज हो गया था। एक तो मैं वाला, एक तो मैं वाला, दूसरा दूसरा ड्राई फ्रूट हो गया। ठीक हो गया जी, ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया तुमने अपने कीमती टाइम से कॉल की थी जनाब। मनु कुछ और पूछना है बेसिकली। ठीक हो गया, आजकल नौजवान बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है जी, कोई किधर पे फिर रहा है, डू यू थिंक के ए व्लॉगिंग करना उन्हें से एक हेल्दी एक्टिविटी है? ते बाद दूसरा सवाल भी इधर रिश्ते चे कि यूट्यूब इस व्लॉगिंग दा नाल यूट्यूब दा कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है एज अ करियर नवे यंगस्टर्स दी जिंदगी ते? मैं तो सवाल मुश्किल हो गया थोड़ा, मैं गल है कि अजकल जो यंग ना इन्हें से बहुत फायदेमंद है, अगर यूट्यूब पे तुसी व्लॉगिंग कर तो तुम्हें यूट्यूब जो है सही ठीक ठाक अमाउंट देंगे, ठीक है, मतलब इन्हें लोग अपना फ्यूचर भी बढ़ा सकते हैं, अच्छे खासे यूट्यूबर हैं जो कमाते हैं। अच्छा, उसी चीज ने गड्डियां भी ले छोड़ी हैं, बाहर टूर करते हैं, इसके अलावा तुम्हें स्पॉन्सर मिल दें। अच्छा, तो मतलब है कि नौजवानों से फजूल कम से बेहतर है कि तुम इस साइड वाला हो, एक तो दुनिया भी तुम्हें देख सी, अपनी एक्टिविटी भी बता सकते हो, ठीक है, कमाई का जरिया भी है, इस नो डाउट के यूट्यूब तुम सम ठीक ठाक तुम्हारा एक करियर बन सकता है, करियर बन सकता है। अच्छा, अक्सर ये तुम्हारी जी डेली रूटीन है, लोग कहते हैं यार मैं आप शूट करना, डू यू थिंक कि अपनी पर्सनल लाइफ में प्राइवेट पब्लिक कर देना इज इट फेयर, बिकॉज बट तुम्हारी लोग कमेंट कर सन, थोड़े से लोग गल कर सन, इसके कोई बैड इफेक्ट्स भी है थोड़ी जिंदगी तक? नहीं, मैं चाहता हूँ कि पॉजिटिव चीज़ बताई जाए, ठीक है, नेगेटिव चीज़ मतलब कोई भी ये नहीं है कि मैं सुबह उठता हूँ तो मुंह हाथ धो रहा हूँ तो उसका भी ब्लॉग बना, लोग बढ़ा दे, लोग बढ़ाते हैं, मैं देखना लोग बढ़ाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगर हो हम लोग जिस तरह हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं पेशावर को प्रेजेंट करूँ, वाह, मैं पेशावर की गलियाँ बताऊँ, वहाँ के तहसील बताऊँ, अपना तहसील बताऊँ, सिटी हाउस बताऊँ, सारा करीमपुरा बाजार बताऊँ जिस तरह आपने बताया, ये चीजें बस अच्छी लगती है, दूसरा बंदा देखने वाला भी एंटरटेन होना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह तीन भाई भी कहंदे के कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए, कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए, बिल्कुल उसे तो अच्छा होना चाहिए, ना कि उठे बड़ा छोड़ा तो बगला बोर होए कि यार उनको चाहिए, आज मासी से कार जाना है तो नहीं कुछ नहीं बुलाते, मैंने ये बहुत क्यों आपको क्यों कोई देखेगा, हां क्यों तुम फेमस हो तो वह थोड़ी बकवास भी अच्छी मेरे
बड़ी खुशी है पेशावर के शहर ब्लॉगर्स मौजूद हैं जी हेल्दी एक्टिविटीज फरोग देंगे। मेरा एक और बड़ा इस पॉइंट है कि जो तुम ब्लॉगिंग करते हो तो लेट्स सपोज वीडियो ने अपलोड की थी, तो बड़ा हेट आता उसी हेट आता लोग कमेंट करते हैं कि यार ये तने के कीता है फलाने टीम का आने ना तंकीद ज्यादातर होती है तंकीद हां तो तंकीद नु बेसिकली रिजेक्शन नु कैसे कहेंगे इसको किस किस्म एब्जॉर्ब करते हैं सर तंकीद नु अगर सीरियस लेने लगे ना तो दुकान बंद या काम खराब हो जाएगा और कार ही बैठ जाए उसको इग्नोर करना है तंकीद नु क्योंकि हां कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं तंकीद का साढ़े काम होता है इससे बेहतर असी करिए वाह लोग तो कहते रहो सुन लोग बड़ी चुप होंगे तुम अच्छा भी कर सो लोग चुप नहीं होंगे तो यह चाहिए कि अपने काम में फोकस करो थोड़े जो एम है थोड़ी जो ओ टारगेट है मैंने अचीव करना है अगर तुम इन्हें कमेंट्स दस कमेंट्स अगर तुम हेट आने तो ग्यारह तो अच्छे आने या पांच अच्छे आने तो पांच में फोकस कर सो ग्यारह इग्नोर करो पांच थोड़े से मोटिवेशन हो सुन तुम्हें क्या लगता है कि इस हेट कमेंट्स ना या हेट हेट लोगों की किस तरह इनू तुम्हारी मेरे ख्याल है कि कहने वन के अगर इसी नु असी पत्थर दी दीवार बढ़ा लें या ते रास्ता बंद हो जसी बजाय दीवार बनाने दी सीढ़ी बढ़ा लो वाह वाह ते चढ़ी जाओ कामयाबी दी पौड़ी ओ ते चुप नहीं होने उन्होंने ते तंकीद करनी है ओ साडे आमे लियाका साहब नु बेचारे नु देखो बिल्कुल है देखिए मेरा पॉइंट है मेरा तेरे पॉइंट है कि यार तुमने बड़ी अच्छी गल कीती है कि यार तुसी आपने कम नल जवाब दियो नु ठीक है तुम्हारा कम तुम्हारा कंटेंट इतना स्ट्रांग होवे कि तुम्हें उसे लोग डिलीवर करें कोई कंटेंट याद है तुम्हें मतलब कोई इस तरह तुम्हारे एक्सपीरियंस है जड़ा जिसे तुमने बहुत मजा आया है व्लॉगिंग की थी ये बहुत अच्छे है सानू दिखाई मुझे एक याद है इस तरह का सीन था हम लोग गए हैं व्लॉग के लिए और अब व्लॉग में ये था कि हमने कहा कि चलो आखिर में इस तरह करेंगे लोगों को वीडियो की तरफ राघिब करने के लिए हमने कहा चलो इस तरह करेंगे लास्ट में एक चैलेंज कर लेंगे ना कहते हैं ठीक है अब लास्ट में चैलेंज ये था कि हम लोग गए हैं वहां पर वो छल्ली नहीं होते हम जिसे सिट्टे कहते हैं सिट्टे हम लोगों ने लिए और सिट्टे अब हम खा रहे हैं इस तरह का सीन हुआ कि फरहान का और मेरा मुकाबला हो गया हम लोगों ने तीन तीन सिट्टे रखे अब वीडियो में ये बताया जा रहा है कि हम लोगों ने मुकाबला किया है फरहान आ रही है मुझसे लेकिन मुझे आखिर में पनिशमेंट मिली है वाह अरे वाह ऐसा भी होता है ऐसा सीन हो सर मतलब मेरे को एक कॉलर ने जरा गल कर रहा अस्सलाम वालेकुम जी जी वालेकुम अस्सलाम शाहब कैसे हैं आप ठीक हैं खैरियत से मैं ठीक ठाक कौन साहब किधर पे गल कर दें जी मैं जुल्करनैन बात कर रहा हूं इस्लामाबाद से हां जुल्करनैन किस रंग जी ठीक ठाक हो खैरियत है जी अल्लाह का करम है तुसी ठीक हो वल जोड़ो थोड़ी मैंने सीखी है लैंग्वेज बहुत अच्छा कीता है तुमने बहुत अच्छा कीता है जुल्करनैन शो पे देखते हो क्या कहना चाहते हो जी मैं तो ये शो देख रहा हूँ आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है व्लॉगिंग के लिहाज से थैंक यू तो दूसरी बात ये है कि इसमें ना हर एक को एक चैनल प्रोवाइड हो सकता है कि वो अपना मैसेज किसी भी कन्वे कर सके वाह क्या बात मतलब आप ना छोटे से टाइम में एक बहुत बड़ा मैसेज कन्वे कर सकते हो तो जो देखने वाला है ना या सुनने वालों पर किसी के लिए वो छोटी चीज बहुत बड़ी होती है किसी के लिए वो बड़ी चीज बहुत छोटी होती है ना क्योंकि इसमें हमारी ऑडियंस इस तरह होती है तो माशाल्लाह जो भी इस तरह की एक्टिविटी करते हैं ना फ्रूटफुल एक एक्टिविटी है तो वो उसको ना उसको करना चाहिए और हम सबको उसको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये एक पॉजिटिव चीज है मुझे ये बताएं जुल्करनैन इस्लामाबाद च केड़ी जी जगह वन जड़ा असी आ सकिए व्लॉग बनाने असी आइए कि ना आइए कुछ भी नहीं करना बस आपने आना है मुझे बता देना इंशाल्लाह बस ठीक हो गया भी चल सी तुम चाहते होना शुरू हो जाए नहीं नहीं देखिए मैं आपको इसमें एक बात बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग कि जो लोग रिलेशनशिप बनाते हैं ना दोस्ती ताल्लुक तो उनको दूसरे शहर में ना घरों की जरूरत नहीं होती उनके जो दोस्त हैं वही उनका घर है अरे तो ये जो एक अच्छा रिलेशन बन जाता है ना तो वो बस दोस्त भाई जो बन जाते हैं बस उनका घर उनका अपना घर आपकी इस आखिरी बात ने ना आपका जो मयार है ना बड़ा बुलंद कर दिया है मैं इंतहाई मशकूर हूँ तुमने कॉल की जनाब तुम सारे मेरे पर आओ ये पूरा सारे लोग जनाब वी आर फैमिली this is Pishore the Gali family and main lena main ek dama and I will see you after a short break my people now thank you okay janab ek dama lena and milna tuhanu is break si baad acha ji okay janab yaar ishare banu dekho
ਅਲੀ ਆਓ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਨੇ ਕੀ ਤੇ ਸਰ ਬੜਾਈ ਕਸਾਈ ਬੜੇ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਆਈਪੀ ਕਸਾਈ ਡੈਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋਂ ਸਾਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾਈ ਤੇ ਇਹ ਆਏ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਸੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਾਂ ਕੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਬਤਾਓ ਕਸਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਸਾਈ ਦਾ ਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ और कोई अगर आ जाता है कि यार हम मेरी इधर बेल वगैरह मैं उसके साथ डील करता हूँ ये अभी अपने गरूर वगैरह में मैं वो आते जो छुरियां पकड़ी होती है कसाई का एटीट्यूड हां छुरियां पकड़ी होती है रिश्के दे जो लेना होता है पीछे गार्ड होना छतरी पकड़ी होती है ठीक है अंदर कसाबखाने जवाड़ना दे भाई साहब सारे लाइन दे 15 बंदे लाइन दे खलोते होते हैं ठीक है सबसे شناختی कार्ड लेके दी तेरा ही नंबर है तेरा तेरी पहली छुरी है अरे ठीक है आधे रास्ते में आपके दिमाग में इतने कीड़े हो जाते हैं बंदा कहता है यार ये अब क्या करे जैसे ही गाय लेके आ रहे तो 500 बंदा तो आपको कहेगा उस तरह मैं समझ नहीं किस क्या थोड़ा पीछे हो जाओ ताकि सी परफॉर्म करिए ओके जनाब अच्छा इधर हो गया इधर क्या होता है जी बताएं अब ये गाय मैं लेके आ रहा हूं ना ठीक है तो इसने भी पूछने के कितने की है उसने भी पूछने कितने की है ये बता कि कितने ली थी मालूम से यार उन्हीं लेके आया हूं रिंग रोड दी मंडी तो कितने दी ली थी यार वो ये 135 थी महंगी महंगी ला जोड़ी ये तो खीरा वे तो मैंने छोड़ी ही जालू ना मना हाँ ये तो मैंने कोई 90,000 दी मेरा चाचा लेके आया ये पी के ठगा गया ठगा गया बाबा ठगा गया है अल्लाह वो देख जो दे दान भी पूरे नहीं चल खैर ये तो फरहान दी है मैं मजाक पे कहना चला मनु ले दे 35 ना 90 दी ले दे ना 90 दी ले दे यार कदी 95 दी भी ले ले चल 95 दी बिल्कुल होता है बिल्कुल वैसा हो जा ते हर बंदा अच्छा एक और भी शहर मैंने कम देखा है जो तू गाल आके टुड़े हो ना तुसी किसी को पूछो भी ना कितने खाली इशारा करो हां हाँ जी अगला भी कहता है 1,00,000 रुपया 1,00,000 1.5 लाख अगला तो उन्होंने मुंह रखा होता है यार ज्यादा भी बता दो हाँ उन्होंने रख के जानता भी है लेकिन जनाब मैं बड़ा एक बड़ा मुश्किल काम है मैं समझना है जी ये बहुत मुश्किल काम है किसी को प्रेजेंट करना हालात बताना ते अपने शहर अपने कंटेंट नु लोगों ने बताना जनाब इस काम वैसे स्पेशली पेशावर शहर से जनाब तो आनू बड़ा जान की कीमत से मैंने एक वाक्य याद आया है कि मेरे मत मेरे वाले इशारा की था यार तो आने थोड़ा भी काला पाए पता डर दिन मेरे में मैंने याद आया कि मेरे ससुर नु अल्लाह बख्शे उन्हें दी आदत होंदी लोग पेशोर दे जिस तरह आदत है लोगों की कोई चीज लाए गिलास लाए कितने दे लिया हो तुसी कैसो नॉर्मल कीमत 300 रुपए दे 6 गिलास हैं लोग अपनी एफिशिएंसी वैसे ज्यादा कीमत बता दें कहने ना असल मैं इससे बताना कि मैं कहने चल तू 100 रुपए दी फिर दर ऐसी कहने छोड़ अच्छा लोग यही बता देने के बतावन के मैं बड़ा समझदार आता मैंने ना बड़ी अजीब शह लेती है तो उन्होंने क्या बोला कि उन लाके दे तो कहने बाबा मोनू दा नहीं पता यार अपना अपना होता इसी तरह होता है तुसी लेके आओ ना तो कहंदे यार ये ठगा गए बड़ी कार्ड रेंज दे तो हां बड़ा सस्ता मिल जाए यार महंगा ले छोड़ी अजय जनाब एक तुम्हारे लिए भी तमाम मामलात ऑनलाइन थाने कॉल कर सकते हो आ सारा नंबर वंस अगेन जनाब तुम्हारी स्क्रीन पे बताओ जनाब अगर तुम्हारे लिए भी कोई तुम्हारा रिव्यू है शो दे हवाले नाल तुम्हारी को गल जरूर बता सकते हो यूट्यूबर्स बॉयज जस्ट टेल मी दैट बिकॉज़ योर फैमिली बी यू आर मैरिड दो यार कितने तुम्हारे जी जी अरे बताओ ना इसलिए मैं तो फंस के बता रहा मैं समझ नहीं आया मैं समझ नहीं आया ये बताओ भाभी या कार वाले बेसिकली तुम्हारा फैमिली कुछ कहते नहीं कि यार के तुसी पे लगे हो यार केरा काम अगर फैमिली सपोर्टिव है सवाल फैमिली सपोर्ट है तो सीधे पे बैठे हो वेरी नाइस सर शुरू से मसला होता है कि मतलब नहीं पता है उन्होंने कि जैसे मेरी शादी भी नहीं हुई अबू कहते हैं कि यार के नड़े खटे कर लेने ते निकल जंदे सुबह सुबह से 10-10 वीडियो एक एक दिन दे 5-5 10 वीडियोस 10 वीडियोस हम शुरू ते सी रमजान आया अच्छा ते 2-2 मिनट स्किट होंदे ते बिल्कुल असी गली दे विच डिफरेंट कारां दे विच जाके ते बढ़ाने हैं तो वो कहंदे यार तुसी के बेकार दो बिल्कुल ठीक है जदों ऐसा ऐसा के लोग पुछाड़ने लगे तो कहंदे यार तेरा पुत्र वीडियो बनांदा है बड़ी अच्छी पे बनांदा है बस वो बात ये होए के सपोर्ट करने वेरी नाइस वेरी नाइस ते माशाल्लाह वाइफ भी ठीक ठाक सपोर्टिव है ते कितना अरसा हो गया तानू इस फील्ड विच इस तरह 2015 से बड़ा टाइम है यार बड़ा टाइम हो गया यार यंगस्टर्स हो यूट्यूबर्स हो व्लॉगर्स हो यंग यूथ नु यंग लॉट नु तुम्हारा के मैसेज है दोनों आप एक पैगाम दिखा यंग यूथ नु के पैगाम देना चाहते हो
मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कोई ऐसी चीज बनाए या इस चीज में पहले तो हिस्सा लें, ठीक है, और ऐसी चीज बनाए ताकि आप उस चीज को प्रेजेंट कर सकें अपने पेशावर को, अपने वालिदैन की, मतलब अपना आपको भी बता सकते हैं ना कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से प्रेजेंट कर रहे हैं। सही है, तो ये चीजें आपको चाहिए कि भरोसा कदी ना कर सो। अच्छा, अगर तुसी 100 वीडियो 10 वीडियो भी पांदे हो ना तो सब्सक्राइबर भी तुसी खरीद लेंदे, तो फेक इहदा कोई फायदा नहीं गा। जब तक तुहाडी वीडियो दी क्वालिटी, तुहाडी वीडियो दा कंटेंट सही ना हो सी ना, ते कोई फायदा नहीं गा। बिल्कुल ठीक है, करने दा बेहतर है कि महीने च एक वीडियो बढ़ाओ, दो वीडियो बढ़ाओ, क्वालिटी दी बढ़ाओ, ते ओरिजिनल सब्सक्राइबर लेने की कोशिश करो, ना कि तुसी पैसे दे के फेक सब्सक्राइबर में खरीद दो। इसका कोई फायदा नहीं है, इससे थोड़ा चैनल बैन भी हो सकता है। ते मुझे बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। हां, मुझे पिछले दिन में 2-3 यूट्यूबर ने रابطہ किया, ते मुझे कहने के यार असि खरीदना चाहते हैं। मैंने तुम्हें यही मशवरा दिया है कि भाई क्वालिटी देखो, क्वांटिटी पे ध्यान ना दो। क्या खूबसूरत, क्वालिटी पे अपना ध्यान दो। जरा मैं समझना, जाने का टाइम हो गया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰ ਸੀ ਰਿੰਗਾ ਪੇ ਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾ। ਹੈ ਜੀ ਆਂਡੀ ਪਕਾਣੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੀ, ਪਾਣੇ ਪਕਾਣੇ ਨਾਟਾ ਗੁੰਨੇ। ਐਨੋ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋ ਜਾਣੇ ਸਿੱਖਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਸਕਿਲਸ, ਨਵਾ ਸਕਿਲ ਸਿੱਖੋ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖੋ, ਐਂਡ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫੀਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਜੀ ਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਗਲੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਮਾਈ ਪੀਪਲ, ਨਾਓ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਗਲੀ ਹੈ।